मुसीबत हो जानी है तो बेबे, ये सब कुछ ना आपके स्टूपिड आइडिया की वजह से हुआ है। और मैं भी बेवकूफ कहाँ आपकी बातों में आ गई, क्यों मान ली मैंने आपकी बात? ये सब कुछ नहीं होता, आपकी बात ना मानी होती तो आप ना सिर्फ बोलती रहती है कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, लेकिन आज तक आपका एक भी प्लान कामयाब नहीं हुआ है। नीति, क्या बदतमीजी है ये? ये तरीका है बेबे से बात करने का? तमीज से बात कर इनसे, बड़ी है हमसे और इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो बस एक आइडिया दिया था हमें। मम्मी आपने बोल लिया, अब मैं जा रही हूँ संजू को बचाने के लिए। क्या चाहती है तू? क्या चाहती है? मुझे मेरा संजू चाहिए। मिल जाएगा, मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा संजू को, जो होना है ना वो परी को होगा। कुछ नहीं होगा, ऐसे हालात में वो नहीं बचा सकता है परी को। देख नदी का बहाव देख रही है ना तू, और परी को देख रही है, कब से कोशिश कर रही है वो, प्रेग्नेंट है, शरीर कमजोर है उसका, उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है पुत्र, और अभी थोड़ी देर पहले उसने एक बच्चे को बचाया है, इतनी आसानी से नहीं बच सकती है वो। मुझे तो लगता है कि वो मर गई होगी पानी के अंदर, कितनी देर से दिखी नहीं है, वो मर गई होगी, तो चिंता मत कर। क्यों गए हैं उसके पीछे? संजू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान कहाँ चला गया? आ जाएगा पुत्र, आ जाएगा, तू चिंता मत कर। वो देख संजू, अभी परी उसे नहीं मिलेगी ना, वो वापस आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। परी संजू खेती कर मानी तो मगर बच्चे। परी में मगरमच्छ? नीति, मगरमच्छ तो होंगे ही ना, तू बस चुपचाप यहीं खड़ी हो। मम्मी, संजू पानी में है, अगर मगरमच्छ ने उसे कुछ कर दिया तो। मैं जा रही हूँ, इसको बचाने। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, भगवान से प्रार्थना कर कि परी मर जाए, क्योंकि इस बार अगर संजू ने परी को बचा लिया ना तो तेरे पास सारे मौके खत्म हो जाएंगे संजू को जीतने के, समझ रही है ना बात को? वो लोग और नजदीक आ जाएंगे और तू बस प्रार्थना कर रब से कि परी मर जाए। प्लीज मेरे संजू को वापस लौटा दो, और वो तभी लौट पाएगा जब ये परी मर जाएगी। प्लीज इस परी नाम के पन्ने को ना मेरी जिंदगी की किताब से हमेशा के लिए गायब कर दो, प्लीज। Bandhana
संजू है ना, वो बचा लेगा परी को। पर पीर जी कोई देख ही नहीं रहा है। वीरे, वीरे, ऐसे खड़ी खड़ी अपने बच्चों की मौत का तमाशा नहीं देख सकती। मैं संजू और परी को मरते हुए नहीं देख सकती। तेरे पीछे कौन जाएगा? प्रभा, आज का दिन कितना अच्छा है। आज इन सबकी आंखों में डर, आंसू, दर्द देख कर ना बहुत सुकून मिल रहा है। इनकी आंखों की ये आंसू ना कभी सूखने मत देना रब। इन्हें जिंदगी भर ऐसे ही तड़पता देखना चाहती हूँ मैं। मैं दस तक गिनूंगी मम्मी, अगर वो बाहर नहीं आया ना तो मैं जा रही हूँ और आप मुझे रोकेंगी नहीं। एक, दो, तीन, चार, पांच, सात, आगे खोलो परी। परी? उठ जाओ, 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 जाओ। परी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ, आराम से, आराम से। कोई बात नहीं। परी, 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 परी।
कोई बात नहीं, सब लोग यहाँ पे देखो, तुम ताई जी, ताऊ जी, मम्मी, सब लोग हैं, सब लोग ठीक हो गए। थैंक यू सो मच। रब दा लख लख शुक्र है। चलो अब यहाँ और कुछ नहीं करना है, घर चलते हैं। चलो उठो। चलो चलो परी। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। हाँ आ जाओ आ जाओ। अरे अरे इन दोनों की जोड़ी रब ने बना दी जोड़ी है, ये दोनों बने ही एक दूसरे के लिए, अब इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, है ना जी? राजीव मेरी बात सुन। पैरों पर। तुम क्यों मेरी इतनी चिंता करते रहते हो? ठीक हूँ मैं। मैंने कहा ना कि रेस्ट करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, चलो। और मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ, मत मेरी टेंशन लो। प्लीज प्लीज रेस्ट कर लो प्लीज। राजीव तुम ना बेकार में मेरे लिए इतना परेशान हो रहे हो, सच में कुछ नहीं हुआ है मुझे, तुम समझ क्यों नहीं करनी चाहिए। तुम लेटो। लेकिन मैंने कहा ना भरी, एकदम चुप और आराम से रेस्ट करो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? दो मिनट चैन से लेट नहीं सकती हो? मैंने बोला ना कि रेस्ट करो प्लीज, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। अरे अगर दो मिनट रेस्ट कर लोगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, तुम क्यों नहीं समझती हो मेरी बात को परी? अरे ऐसे क्या देख रही हो? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो, सेफ रहो। अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका हूँ परी, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। मैं बहुत रूड साउंड कर रहा हूँ बट तुम्हें नहीं पता कि नदीम उस हालत में तुम्हें देख के मैं कितना घबरा गया था, और अगर मैं सही टाइम पे नहीं पहुंच पाता तो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मेरी तुम मुझसे प्रॉमिस करो कहीं दे ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तुम्हारी सेफ्टी में लिए सब कुछ है भारी।
बस तुम ध्यान रखना, अब तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है और तुम्हारा मेरी जिंदगी में होना बहुत मैटर करता है मेरे लिए। इश्क़ विच सताया नीति। समझ नहीं आ रहा है, कहीं आप पे भरोसा करके मैं कोई बेवकूफी तो नहीं कर रही हूं? क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने और ये बात तेरे दिमाग में आई भी कैसे गुरिंदर? ये बात मेरे दिमाग में इसलिए आई है, एक तरफ तो आप मुझे कहते हैं कि नीति का साथ दे, नीति का साथ दे, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन आप जो कर रहे हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, वो सब क्या है? अनु तो लग रहा है कि वो कुछ और ही कर रही हो आप। गुरिंदर, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। माना कि मैं तुझसे उम्र और तजुर्बे में ज्यादा बड़ी हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू एकदम ही छोटी है। तू भी तो काफी तजुर्बेकार है, उम्र दराज है, उम्र हो गई है तेरी, इतना तो तेरे को समझ आ जाना चाहिए था। अभी कुछ मत पूछ यार प्लीज। विरे, अच्छा आप बताओ मैं आपसे क्या पूछने वाला था। देख तू मुझसे कुछ भी पूछ सकता है, बट अभी मेरे पास बहुत काम है तो बाद में बात करेंगे प्लीज। विरे, मुझे दिखता है आप परेशान हो, अपसेट हो, बट क्या? बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपकी परेशानी का कारण क्या है। परी की सेफ्टी है, कुछ तो गड़बड़ है मोंटी, मेरा दिमाग ने एकदम 360 डिग्री घूम रहा है, बट आई एम श्योर कि मैं गलत नहीं हूँ। फिर यूजली पता है क्या होता है, लोग कहते हैं कि वो सही है या गलत उन्हें पता नहीं, पर आप 100% श्योर हो कि आप गलत नहीं हो? ऐसा क्योंकि उनके पास गलत होने की गुंजाइश होती है और मेरे पास तो सही होने की गुंजाइश है। अगर मैं पूरी फैमिली को सच बता दूँ ना तो सब लोग शॉक हो जाएंगे। यार फिरे, आप मुझसे क्लियर कट बात क्यों नहीं कर रहे? आप मुझे इतना घुमा फिरा के चीजें क्यों बता रहे हो यार? आप कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करते थे, आप मुझसे जो भी बात करते थे हमेशा क्लियर कट करते थे और मुझे ना हर बात आपकी यूं समझ आती थी, पर आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और जो चीजें मुझे आज समझ में आ भी रही है ना वो भी मुझे पता है कि सही नहीं है। फिरे, आई एम सो कंफ्यूज, प्लीज मुझे बताओ ना चल क्या रहा है। रिलैक्स रिलैक्स, सही टाइम आने पे बता दूंगा, बट अभी नहीं, अभी तू जा, मुझे थोड़ा काम है। फिरे मैंने कहा ना मोंटी, यार प्लीज अकेला छोड़ दे। मैंने कहा ना मोंटी, तू जा प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे परी का पैर फिसला नहीं, वो अपने आप नहीं गिरी, किसी ने उसे गिराया है। ये हादसा नहीं, साजिश है और मुझे पता है ये किसने की है।